Let me introduce myself. I am Rohan Garg. I have secured All India 19th rank in CA foundation and All India 27th rank in CA intermediate, which are the respective first two stages of Chartered Accountancy course. आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि how can an average aspirant handle theory subjects in CA, the way that no one in the market explains. So without further ado, let's jump into the topic. Albert Einstein once said that everyone in this world is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. You see, आप सब में एक ना एक जीनियस छुपा है, बस फ़र्क इतना है कि सब अलग अलग तरीके और अलग अलग फील्ड्स में जीनियस होते हैं। मैंने यूज़ करा वर्ड एवरेज एस्पिरेंट, इसका मेरा मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि मैं आपको किसी एक कंपेरिजन में नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने ये किस सेंस में यूज़ करा है आप उसको समझना। एवरेज एस्पिरेंट का मेरा यहाँ मतलब ये है कि जिसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, बुक्स को देखते ही जिसे नींद आने लगती है, जो ये सोचते हैं चलो यार बाद में पढ़ लेंगे अभी तो कुछ और ही कर लेते हैं, जो इस फॉलोइंग फिलॉसफी को जो है फॉलो करते हैं, आज करे सो कल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है जब जीना है बरसों। एवरेज एस्पिरेंट का मेरा यहाँ मतलब ये है कि जो कितनी ही कोशिश कर ले उनसे चीज़ें रटी नहीं जाती, और अगर बाय चांस वो चीज़ें रट भी लेते हैं तो उनसे ज़्यादा दिन तक रिटेन नहीं कर पाते। तो देखो, इन सब चीज़ों को जो है नेगेटिव मत लेना। मैंने ये किस सेंस में यूज़ करा है मैंने आपको बता दिया, पता चले बाद में कुछ लोग ऑब्जेक्शंस उठाएं कि आप कौन होते हो हमें एवरेज स्टूडेंट कहने वाले, आपका क्या राइट बनता है हमें एवरेज स्टूडेंट का टाइटल देने का। तो देखो, मेरा कोई राइट नहीं है आपको कुछ गलत कहने का। मैंने किस सेंस में यूज़ करा मैंने आपको एक्सप्लेन करा। मेरी नज़र में जो है सब लोग ब्रिलियंट है, और मैं भी ये अज्यूम कर रहा था कि सब अपने आप को ब्रिलियंट समझते हैं और उन्हीं की तरह वर्किंग करना चाहते हैं। लेकिन जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड करी उसमें मुझे कुछ फीडबैक्स मिले, उसमें से एक फीडबैक ये था कि आप जो बातें एक्सप्लेन कर रहे हो वो शायद एक एवरेज स्टूडेंट पर अप्लाई ना हो, वो शायद एक एवरेज स्टूडेंट को अप्लाई करने में प्रॉब्लम्स हो। दूसरा फीडबैक मुझे ये मिला, किसी पर्सन ने मुझे ये कहा कि आप जो बातें कर रहे हो जब तक आप सही ढंग से नहीं करोगे वो यूजलेस है। हर इंसान का पढ़ने का तरीका अलग होता है और चीज़ों को रिटेन करने का तरीका अलग होता है। तो मैंने इन सब चीज़ों को एनालाइज करा और डिसाइड करा कि मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए। तो क्या करे वो पर्सन जिसका नहीं लगता पढ़ाई में मन, हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे सीए एग्ज़ाम्स में एटलीस्ट 40 मार्क्स तो आ जाए। पता है मैं क्या सोचता हूँ कि सीए एग्ज़ाम्स में 40 मार्क्स लाना इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट थिंग्स विच आई कुड एवर डू। हमें 40 मार्क्स लाने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा प्रेशर को हैंडल नहीं करना पड़ता, अगर हम नॉर्मल तरीके से वर्किंग भी करें तो भी हमारे आराम से 40 मार्क्स आ जाएंगे। बट इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं क्या सोचता हूँ, 40 मार्क्स लाना मेरे लिए इजी टास्क है फिर या फिर मुश्किल, मैटर ये करता है कि 40 मार्क्स लाना आपको कैसा टास्क लगता है। अगर तो आपके लिए 40 मार्क्स लाना इजी है, अगर तो आपके लिए 40 मार्क्स को लाने का टास्क इजी है तो हमारा रास्ता एकदम साफ है। बट अगर आप ये सोचते हैं कि 40 मार्क्स लाना मुश्किल है, देन यू विल नॉट हैव टू वरी। आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप इधर तक पहुँचे हो, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपकी गलत बिलीफ को मैं तोड़ूँ, आपके लिए थ्योरी सब्जेक्ट्स को एक ईजी सा टास्क बना दूँ। तो हम ऐसा क्या करें जिससे थ्योरी सब्जेक्ट्स हमारे लिए एक ईजी सा काम बन जाए। देखो, मेरा मानना ये है कि चीज़ें जो है आसान या मुश्किल नहीं होती, उन्हें हम वैसा बना देते हैं। फॉर एग्जांपल, एक डॉक्टर के लिए सर्जरी करना नॉर्मल और ईजी सा टास्क है, बट वही सर्जरी हमारे लिए करना एक मुश्किल काम है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उस पर्सन ने उस चीज़ को एक ईजी सा काम बना रखा है। मुझे जो है थ्योरी सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम नहीं आती, क्यों नहीं आती? क्योंकि मैंने थ्योरी सब्जेक्ट्स को पढ़ने का तरीका आसान बना रखा है। देखो यार, अगर आप जो है रैंक वैंक के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते, आप तो चाहते हो कि एक खुशहाल जिंदगी जिए हम जिसमें पास ही मार्क्स आ जाए तो ही बढ़िया है, तो सबसे पहले मैं आपको ग्रीटिंग्स देना चाहूँगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगा। क्योंकि अगर आप ये सोचते हो कि सिर्फ आपको पास होना है तो आप पास ही हो ना, आपको पास होने से कौन रोक सकता है? कौन रोक सकता है? कोई नहीं, सिवाय आपके। लोग पता है 100 रुपये का नोट तो लेना चाहते हैं बट 10 रुपये का नोट नहीं छोड़ना चाहते। तो मैं भी आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको जो है पास होना है तो कोई बात नहीं, आप थोड़ी बहुत वर्किंग करो, तरीके से वर्किंग करो, आप आराम से पास हो जाओगे। थ्योरी सब्जेक्ट्स में अगर 40 मार्क्स की दीवार को आपको टपाना है तो आपको जो है इंटेंसिव रट्टा मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको तो कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स को उठाना है, और उनको रट जाना है। अब वो सिलेक्टेड टॉपिक्स कौन से हैं? वो सिलेक्टेड टॉपिक्स वो हैं जो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है कि इसमें लिखा क्या है, उनको आपको पूरा रट जाना है। आपको ज़रूरत यह है कि आप 80 से 90% कोर्स को पढ़ो। कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स आपने रट लिए, अब बाकी चीज़ों के लिए आपको क्या करना है, अपने बिन से एक सवाल पूछना है कि देख भाई, इस चीज़ को जो है हमने रटा नहीं मारा है, तू मुझे बता दे, कि अगर ये एग्जाम में टॉपिक आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, हम कैसे लिखेंगे और क्या लिखेंगे। एक बार आपने ब्रेन से ये सवाल पूछ लिया और ब्रेन ने आंसर दे दिया तो मान के चलो आपको बिल्कुल मार्क्स मिलेंगे, पूरे नहीं मिलेंगे लेकिन बिल्कुल मार्क्स मिलेंगे। अब आपको जो है इस तरह से प्रेजेंट करना है कि सामने वाले को लगे हाँ यार ये बातें तो सही कर रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल आप लिखना चाह रहे हो रुक मत जाना, लेकिन आपने प्रेजेंट इस तरह से करा है कि सामने वाले को समझ में आ रहा है कि रुक मत जाना। अगर आपने ऐसा कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी, हम जो कहना चाह रहे हैं वो सामने वाले को क्लियरली समझ में आना चाहिए। अब आपको पता है मैंने जो है 80 से 90% कोर्स करने के लिए क्यों कहा है आपसे, क्योंकि हमारे जो MCQs है वो कहीं से भी आ जाते हैं। अब पता चले आपने 60% कोर्स करा और आधे MCQ बाकी 40 में से आ गए, अब एमसीक्यू में करना क्या होता है, टोपी टोपी का काम है, चार लोगों में से किसी एक को टोपी बनानी होती है। तो यार थियोरी सब्जेक्ट में 25 से 30 मार्क्स के तो हमको एमसीक्यू मिल जाते हैं, तो अगर हम कोशिश करें तो कम से कम 10-15 तो उसमें स्कोर कर ही सकते हैं ना। 10-15 स्कोर अपन इधर से कर लिए, अब बाकी बचे 70 मार्क्स का जो है थियोरी, 70 मार्क्स का जो बचा सब्जेक्टिव, उसमें से अगर आप 60 और 65 का अटैम्प्ट करके भी आते हो तो आपको क्या लगता है 30 नहीं मिलेंगे, कम से कम 30 नहीं मिलेंगे। चलिए तुम्हारा वर्स्ट केस है 30 तो आपको बिल्कुल मिलेंगे, तो 30 इसमें से आ गए, 10-15 आप उसमें से स्कोर कर लोगे तो हो गए ना आप पास। कितना आसान काम है, वो कहते हैं ना 21 दिन में पैसा डबल करने वाली स्कीम हो गई ना ये, तो इतना आसान काम है। मार्केट में इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके रखा है। अब देखो यार ये तो वही कहने की बात है, कहने और करने में बहुत फर्क होता है। जब तक आप चीज़ों को इंप्लीमेंट नहीं करोगे जब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब आपको पसंद तो होगा यार ये स्कीम तो बढ़िया बढ़िया है, 21 दिन में पैसा डबल करने वाली स्कीम हो गई है तो अच्छी खासी, लेकिन जब तक आप इसको इंप्लीमेंट नहीं करोगे, एक प्रोसेस को फॉलो नहीं करोगे, तब तक ये 40 मार्क्स भी आपको बहुत मुश्किल लगेंगे। लेकिन मैंने आपको ईजी करके शॉर्ट करके सब कुछ बता दिया है, आप उसको सोचो समझो, अपने ब्रेन को समझाओ और इम्प्लीमेंट करो, रिजल्ट्स मिलेंगे, रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अब आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बिल्कुल भी टेंशन ना लें, क्योंकि ये तो बस एक ट्रेलर था। आपको जो है सब्जेक्ट वाइज थ्योरी को कैसे प्रिपेयर करना है वो मैं आपको समझाऊंगा, आपको एक एक्शन प्लान बताऊंगा जिसमें हम 21-21 दिन में थ्योरी सब्जेक्ट्स को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर पाएंगे। बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ये एक्शन प्लान ओके टेस्टेड वाला काम है, इसको मैं भी पर्सनली यूज़ करता था। अब आपको काम ये करना है कि अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए नहीं हैं तो बिना कुछ सोचे समझे लाल बटन को दबा देना है, क्योंकि मैं आपको ट्रस्ट दिलाता हूँ कि आपको फ्यूचर में बहुत अच्छा खासा फायदा होने वाला है। कुछ ही दिनों में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें सिखाऊंगा जो पूरे इंडिया में कोई भी रैंकर ना आपको सिखाएगा ना बताएगा। मेरे पास कुछ ऐसी निंजा टेक्निक्स है जो मैं अपनी स्टडीज़ में यूज़ करता हूँ और मैं आपको भी सिखाना चाहता हूँ। बस मैं ये चाहता हूँ कि जो मैं वैल्यू प्रोवाइड करूँगा वो एक अच्छे खासे ऑडियंस तक पहुँचे, ताकि मैं बहुत से लोगों की प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन बन सकूँ। अब आपको क्या करना है कि इस वीडियो को जो है अपने बैचमेट्स के साथ शेयर करना है, ताकि आपके साथ साथ वो भी चीज़ें सीख सकें, क्योंकि मेरे कुछ बैचमेट्स एंड फ्रेंड्स थे जो कुछ ऐसी गलतियाँ कर बैठे थे जिनकी वजह से उनका अनफॉर्चुनेटली इंटर क्लियर नहीं हो पाया। रियली फील फॉर देम। मैं उनको कह रखा है कि देखो भाई कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बेझिझक मुझे कॉल करना, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दूंगा। अगर आप भी मुझसे जो है पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप लिंक्डइन या इंस्टा पे जो है एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कर सकता हूँ। देन वी कैन जस्ट कोऑर्डिनेट एंड आई होप कि मैं भी आपकी प्रॉब्लम्स का जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूँ। हैव अ ग्रेट डे अहेड। डू कमेंट द टॉपिक्स ऑन विच यू वांट द नेक्स्ट वीडियोस। डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, द हैंडल इज इन द डिस्क्रिप्शन। लेट अस जस्ट एंड द वीडियो विद अ मोटिवेशनल कोट। इफ यू कैन नॉट डू ग्रेट थिंग्स, डू स्मॉल थिंग्स इन अ ग्रेट वे।